आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप भी सैमसंग फ़ोन के गैलरी में से सभी फ़ोटो वीडियो एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर किसी एक फ़ोटो या एक वीडियो को डिलीट करना होता है तो यहाँ पर आप इस तरह सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। बाई चांस यदि आप डेट वाइज भी करना चाहें डेट वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एक साथ करना चाहते हैं तो कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं अभी मैं जिनको सेलेक्ट करता हूँ उनको डिलीट करने का ऑप्शन नीचे है, तो एक एक करके और डेट वाइज इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है, ये अभी मैं दिखाऊँगा ये अभी आपके फोन में ही रहता है 30 दिन तक, उसको भी कैसे डिलीट कर सकते हैं वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक साथ इनको सेलेक्ट कैसे करना है ये देख लीजिए। देखिए एक में क्लिक करना है, ऐसे जैसे आप एक पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नीचे की ओर यहां पर 3 डॉट का ऑप्शन आता है, देख सकते हैं मोर का ऑप्शन मिलता है। इस मोर के ऑप्शन में 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखता है सेलेक्ट आर। सेलेक्ट आर पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं 800 आइटम सेलेक्ट हो चुका है। अब यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो ये चीज अभी आप पहले इनको सबको सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको इस तरह से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से डिसेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर डिलीट का ऑप्शन मिलता है तो मैं डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली अभी तुरंत परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आपके फोन से, नहीं, अभी ये रिसाइकल बिन में जा रहा है, ठीक है। अभी रिसाइकल बिन में 30 दिन तक तब भी अभी आपके फोन में ही रहता है, आपको अर्जेंटली अभी सब कुछ डिलीट करना है तो चलिए मैं वो भी अभी आपको दिखा देता हूं कि रिसाइकल बिन से भी कैसे हटा सकते हैं हमेशा के लिए। तो यहां पर रिसाइकल बिन में इस तरह से आप करेंगे तो रिसाइकल बिन में ये चला जाता है डिलीट होकर। तो चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे, अब दिखाते हैं आपको रिसाइकल बिन में भी चल के कहां पर होता है रिसाइकल बिन और कैसे चल के वहां पे सारी फोटो एक साथ वहां से भी डिलीट करना है। एक क्लिक में सभी जगह से आप कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं यहां पर कैसे करना है ये दिखा दिया आपको। अब चलिए रिसाइकल बिन में भी एक साथ कैसे डिलीट करना वो भी दिखा देता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं ये सारी यहां पर डिलीट हो चुका है, जिसे आपने डिसलेक्ट किया था वो यहां पर रह गया है, ठीक है, क्योंकि आपने इन्हें सेलेक्ट नहीं किया था। अब यहां पर देख सकते हैं ये ऑप्शन मिल जाता है 3 डॉट का, 3 लाइन का, तो यहां पर क्लिक करेंगे रिसाइकल बिन मिल जाता है। रिसाइकल बिन का ऑप्शन में खोलेंगे, यहां पर इस तरह से आपकी सभी फोटो सभी वीडियोस यहां पर आ जाती हैं जो भी आपने खींचा होगा। अब देखिए यहां पर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो इसको आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है और उसको आप चाहिए कि हम ये गलती से हो गया है तो फिर आप इसको यहां पर रिस्टोर भी कर सकते हैं यहां पर इस तरह से, ठीक है, नीचे के ऑप्शन से। बाकी अब यहां से भी हटा देंगे तो फिर आपके फोन से परमानेंटली हट जाएगी। यहां देख सकते हैं यहां पर इस तरह सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे तो 882 सेलेक्ट हो चुके हैं, और यहां पर नीचे की ओर आ जाएंगे तो डिलीट का ऑप्शन मिलता है, तो डिलीट के ऑप्शन में ही आपको इस तरह से यहां पर क्लिक करेंगे और डिलीट पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब दोस्त ये आपके फोन से परमानेंटली डिलीट हो चुका है, यानी कि आपके गैलरी से और रिसाइकल बिन दोनों जगह से डिलीट हो चुका है। अब यदि आपने जीमेल आईडी पे बैकअप बनाया होगा किसी फोटो वीडियो का तो वो आपके फोन में रहेगा, जीमेल में रहेगा, बाकी आपके फोन से जो भी आपकी गैलरी की फोटो वीडियो थी वो सब कुछ हट चुकी है, वो सब कुछ डिलीट हो चुकी है। तो दोस्त यहां पर देख सकते हैं यहां पर कंप्लीटली हट चुका है, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं केवल इतना जिसको रिस्टोर किया था वो है और जिसको मैंने डिसलेक्ट किया था केवल वो है, ठीक है, यहां पर इतना चीज है। अब दोस्त यहां पर सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया गैलरी से कैसे एक साथ डिलीट करते हैं और रिसाइकल बिन में भी जाकर एक साथ कैसे डिलीट करते हैं और गैलरी की फोटोज को एक साथ कैसे सेलेक्ट करते हैं, सब कुछ आपको मैंने दिखा दिया है। अब दोस्त चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर आपने फोटो वीडियो डिलीट कर दिया है लेकिन अभी आपके फोन में एक ऑप्शन होता है गूगल फोटोज। गूगल फोटोज में भी दोस्त कुछ फोटोज आपके मेल में रहती हैं, जैसे देख सकते हैं यहां पर नॉट नाउ पर मैं क्लिक करता हूं, देख सकते हैं यहां पर जो भी मेल आपकी आईडी रहती है यहां पर, तो यहां पर आपके कुछ फोटो वीडियो बैकअप बना रहता है तो वो यहां पर रेस्टोर करती हैं। तो दोस्त यदि आप चाहते हैं इनको हटाना तो कुछ नहीं, आपको कमेंट करना है, आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह से हटा सकते हैं। बाकी यदि आप इस मेल आईडी को ही हटा दें अपने फोन से, जैसे ये मेल आईडी आप देख सकते हैं हमारे इसमें जो ईमेल आईडी में हमारी फोटो वीडियो पड़ी है, तो अगर इस मेल आईडी को मैं हटा दूंगा तो कंप्लीटली हमारे फोन से सभी फोटो वीडियो हट जाएंगे, यानी कि यहां पर गूगल फोटोज की सारी फोटो वीडियो हट जाएंगी। तो दोस्त यहां पर अब यहां पर मेल आईडी का मैं अलग से बना दूंगा वीडियो किस तरह से वहां से हटाते हैं, ओके, यदि आपने बैकअप बनाया होगा तो। अब बाकी यदि आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं कल ही वीडियो लॉन्च कर दूंगा। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप आप अपने सैमसंग के फोन के गैलरी से सभी फोटो वीडियो एक साथ डिलीट करने की प्रोसेस सीख चुके हैं। धन्यवाद।